हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है जुकोर गेम्स में और मैं हूं जुकोर। और आज का वीडियो, जी आज एक फिर मुझे एक न्यूज़ मिली है बहुत ही मस्त वाली। कल रात में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि एपिक गेम्स, जी हाँ, जिस पे हम लोग ने GTA 5 लिया था थोड़े टाइम पहले, लास्ट मंथ की बात है ये, हम लोग ने GTA 5 खरीद लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट जी। $25 का गेम हम लोग को फ्री में मिला था और काफ़ी लोगों ने उसका मतलब फ़ायदा उठाया और लिया भी। आई होप कि आप लोगों ने भी लिया हुआ। तो एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि एपिक गेम ने एक और गेम फ्री किया है आप लोग के लिए, और वो गेम कौन सा है? कल का वीडियो आपने देखा था? जी हाँ, कल हम लोग ने आर्क सर्वाइवल ट्राई किया था MSI प्लेयर पे, वो नहीं चला। और मैं आपको बोल रहा था कि PC वाला गेम जो है वो बहुत अच्छा है, पर वो बहुत महंगा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई साहब, ऊपर वाले ने अपनी सुन ली, कल मैंने ये बात बोली और आज मुझे वो न्यूज़ मिली, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड इज फ्री ऑन एपिक गेम्स। जी हाँ, मैं आपके सामने ऑन करता हूँ, ये देखिए मैं अपना एपिक गेम्स ऑन कर रहा हूँ। और जैसे ही एपिक गेम का जो प्लेटफॉर्म ऑन होता है तो फर्स्ट इस पर यही दिखा रहा था, तीन जो स्लाइडर है ना, ये इसमें से जो फर्स्ट स्लाइडर है ना, इस पर यही दिखा रहा है। ये देखिए, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व द एपिक वॉन्ट कम विद द वन लास्ट सरप्राइज, गेट आर्क फ्री अंटिल June 18। मतलब 18 जून तक ये फ्री है। अब वापस से ये मत बोलना कि तुम्हारे हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, 90 GB के आसपास का ये गेम है। मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्ट साइज है, पर अब भले ही आज नहीं तो कल हम लोग इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आप लोग लेके तो रख सकते हो ना यार इसको अपने अकाउंट में, बाद में वापस से पेड हो जाएगा ये। और ये भी 3,500 का गेम है यार। तो मैं क्लिक करता हूँ गेट इट फ्री पे मैंने क्लिक किया। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके इसको कर सकते हो। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा गेम है यार, ये मतलब फुल एडवेंचर से भरा, एकदम से एक रियलिस्टिक लाइफ, वर्चुअल लाइफ आप जिएंगे ड्रैगन्स के साथ में। क्या बात है यार, मतलब ये न्यूज़, मतलब कल मैं फेल हुआ हूँ इसके अंदर और आज मुझे ये न्यूज़ मिल रही है कि भैया ये गेम जो आप एमुलेटर पे खेलने वाले थे, ये PC वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। GTA 5 जैसी, मतलब उससे भी बड़ा गेम है ये, GTA 5 से भी हैवी और बड़ा गेम है और बहुत ही ज़बरदस्त रियलिस्टिक गेम है ये। ये देखिए क्या ज़बरदस्त वीडियो है, देखो इसका तो ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गेम के बारे में इसका ये है, और 2017 में ये रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और ये देखो, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व जो है वो $14 का दिखा रहा है इसमें, सेल जो एंड है ना अभी फिलहाल फ्री में दिखा रहा है अपने को ये। और ये जो है 18 जून को ये ख़त्म हो जाएगी रात में 8:30 बजे। तो मैं इसको गेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। गेट पे क्लिक करने के बाद में मेरा स्क्रीन जो है वो चेंज हो रहा है, लोडिंग योर ऑर्डर। ये देखो भाई, लिस्ट प्राइस $13.99, डिस्काउंट $13.99, प्राइस इज $0, सेम GTA 5 की तरह, ठीक है, GTA 5 की तरह इस पर हो गया। अभी मैं इसको प्लेस ऑर्डर, ओके, मैं इस पर चेक मार्क कर देता हूँ, अपने को जो भी मेल है मेल पे आते रहेंगे। और प्लेस ऑर्डर, थैंक यू, और ये मैंने प्लेस कर दिया भाई, रेडी टू इंस्टॉल आ रहा है। अब मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ इसके, ये देखो अब मेरे लाइब्रेरी में कौन सा है। ये ओवरकुक्ड करके एक गेम था, बीच में मैंने 2-3 दिन पहले ट्राई किया था, ये भी फ्री में मिल रहा था, तो मैं सोचा इसको भी ट्राई कर लेता हूँ, पर इतना खास गेम था नहीं है। बट GTA 5 में ऑलरेडी मज़े कर रहा हूँ, मज़ा आ रही है मेरे को, बहुत ही ज़बरदस्त हॉर्स रेसिंग खेलता हूँ उसके अंदर, बड़ा मज़ा आती है यार, फुल एकदम एडिक्टिव गेम है वो हॉर्स रेसिंग वाला। बेटिंग करो, पैसे कमाओ, मतलब गेम के अंदर, रियल लाइफ में बेटिंग वेटिंग करना बहुत बुरी बात है भाई लोग, ठीक है ना। गेम में जो करना है वो करो, मज़े करो लाइफ में। आर्क सर्वाइवल यहाँ पर आ गया है, देखो इंस्टॉल, तो अभी मैंने इसको ले लिया है, मेरे सिस्टम में जगह नहीं है यार, मतलब मैंने फुल भर के रखा हुआ है, सी ड्राइव में तो कुछ डाल नहीं सकते, 16 GB खाली है खाली। डी ड्राइव के अंदर जो अपने इंपोर्टेड गेम्स है, डी ड्राइव के अंदर ही मैंने, देखो एपिक गेम्स जिसके अंदर GTA 5 वगैरह ये सब डाला हुआ है, फोर्टनाइट डाला हुआ है एक्चुअली इसके अंदर, तो MSI प्लेयर वगैरह भी इसके अंदर है। फिर उसके बाद में एच ड्राइव में मैंने GTA 5 डाला हुआ है, पूरा भर गया GTA 5 खुद ही साला, इतना बड़ा तो क्या बताऊँ मैं,
ठीक है। उसके बाद में आई ड्राइव के अंदर मेरे जब सब रिकॉर्डिंग रहती है, मतलब जो भी मैं आप लोग को वीडियो बताता हूँ वो पहले इसके अंदर मैं रिकॉर्ड करता हूँ ओबीएस स्टूडियो से, तो वो भरा हुआ रहता है। जी ड्राइव में मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर भी इसमें 87-89 GB फ्री है। लेकिन आग सर्वाइवल के लिए कितना स्पेस चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं अगर सपोज इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल, चलो डी ड्राइव में मैं ट्राई करता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कितना स्पेस अपने को लगने वाला है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर दिस पीसी आणि डी ड्राइव आणि आर्क सिलेक्ट फोल्डर, और मैं अगर इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ सपोज, अभी इसमें दिखा नहीं रहा है। ओके 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 ओके, देखो अभी दिखा रहा है। इंस्टॉलेशन फेल। इंस्टॉलेशन फेल क्यों हुआ भाई लोग? सिंपल है, ट्राई टू फ्री अप सम स्पेस ऑन योर डिवाइस एंड अटेम्प्ट टू इंस्टॉल अगेन। मेरे पास 30+ GB फ्री स्पेस था डी ड्राइव के अंदर, बाकी सब ड्राइव में एक ड्राइव है जो मेरे वीडियो वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे सब वीडियो दुनिया भर के मैंने जमा करके रखे और मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह सेव है, उसके अंदर 89 GB स्पेस फ्री है, पर वो मैं यूज़ कर नहीं सकता हूँ, फिर भी वो कम है एक्चुअली। तो देर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन योर ड्राइव, बोलता है कि 108 GB स्पेस चाहिए इसके लिए। भाई साहब 108 GB स्पेस चाहिए आग सर्वाइवल के लिए, इस बात को याद रखो। बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, देखो मैं OLX पे जाता हूँ, सपोज आपको दिखाता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं OLX पे गया, मैं अभी अलाउ नोटिफिकेशन हार्ड डिस्क, अभी मैं बोल डालता हूँ इसमें हार्ड डिस्क, खाली हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप हार्ड डिस्क। अगर मैं हार्ड डिस्क चेक करता हूँ सपोज, आजा 500 GB के 1000 रुपये में मिल रही, देखो सेकेंड हैंड। अभी ये मत बोलना कि आपको SSD चाहिए, सब गेम के लिए SSD अफोर्ड नहीं कर सकते भाई हम लोग। सबसे बेस्ट सी ड्राइव जो रहता है ना आपका, वो SSD में डाल के रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब गेम जो चलेंगे तो वो तो आपको विंडोज से चलने वाले हैं ना यार, तो सब गेम वहाँ पर डालो। और हार्ड डिस्क आपको WD वगैरह की अच्छी मिल जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो फिर भी ना 500 GB की 1000 रुपये बोल रहा है। अगर आप लोग अपने लोकल मार्केट में ट्राई करेंगे ना, मेरे ख्याल से 500 GB की हार्ड डिस्क आपको ना मेरे ख्याल से 800 रुपये से अंदर अंदर आ जाएगी। 1000 रुपये से ज़्यादा बोल रहे हैं, इसको हम बार्गेनिंग करेंगे ना भाई, दे रहा है क्या 800 में, तो दे देगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको और भी दिखा देता, पर ये देखो ऑल हार्ड ड्राइव इन गुड कंडीशन 299 में बोल रहा है, कितना GB है देखो। अभी ये देखो भाई, ये बंदा बहुत सारी हार्ड डिस्क बेचता है, राम कुमार नाम है इसका, और ये मुंबई का ही बंदा है, और काजूपाड़ा मेरे यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर होगा, अगर मैं बाइक से जाऊँगा तो मिल जाएगा। जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें तो आपको OLX सब जगह अवेलेबल है, OLX नहीं तो क्विकर अवेलेबल है। अगर आपको सेकेंड हैंड लेनी है तो बॉम्बे में, तो मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे पास एक मार्केट भी है जिसको कंप्यूटर स्पेयर पार्ट मार्केट लेमिंगटन रोड बोलते हैं, ग्रैंड रोड, आपने सुना होगा ये नाम। वहाँ पर बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, मतलब नए पुराने जैसा चाहिए वैसा ले लो, आप लोग को जाके देखो। अब देखो अभी सेकेंड हैंड हार्ड ड्राइव के लिए मैं सब लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा भाई, जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है चीज़ें चेक करने के लिए, मतलब आप खुद आके घर पे बायोस चेक करो, देखो उसको स्कैन करो, उसमें बैड सेक्टर वगैरह क्लस्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ देख करो, या फिर उससे इस चीज़ की वारंटी लो कि भैया सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क में ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 10 दिन की टेस्टिंग वारंटी तो दे यार, मैं घर पर जाके स्कैन तो करूँ इसको, आप समझ रहे हो ना। तो जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज हो ना प्लीज़, उन लोग ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी भैया जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास बाप PC पहले से पड़ा हुआ है, 1-1 TB हार्ड ड्राइव है, आप लोग तो डायरेक्ट डाउनलोड करो, मज़े करो। हम लोग थोड़े से लो लेवल के लोग हैं तो हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मेरे PC का हर एक पार्ट सेकेंड हैंड है भाई, मैंने सब OLX क्विकर से यहाँ वहाँ से रैम यहाँ से मदरबोर्ड यहाँ से हार्ड डिस्क यहाँ से ऐसे सब जमा किया है मैंने, उसके बाद मैं ये बनाया हुआ है, स्पेक्स आपके सामने है। 10-12 हज़ार में आपको Wi-Fi मिल जाता है और क्या चाहिए यार। और तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर मतलब कि 160 GB की हार्ड डिस्क 300 रुपये में बोल रहा है ये बंदा, ठीक है। तो 300 रुपये बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया, 200-250 रुपये की आती है, 320 GB 650 रुपये बोल रहा है, 320 GB 500 रुपये की हार्ड डिस्क आती है जहाँ तक मुझे मालूम है जो मार्केट रेट है। और 500 GB अभी हम लोग ने 1000 रुपये देखा, ये भाई 900 रुपये की दे रहा है, फिर भी 800 रुपये तक आ सकती है। तो मतलब अपने जो ऐसे गेम है फ्री वाले जो अपने को मिल रहे हैं, अच्छे गेम जो पेड गेम है जो फ्री में मिल रहे हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने आग सर्वाइवल यहाँ पर अवेलेबल है, और
ठीक है, ये नहीं हो रहा है, बाहर में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओम पे जाता हूँ वापस से मैं। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसी कोई भी चीज़ अपने को जब मिलती हो ना ऑनलाइन प्रमोशन वगैरह में, और आप ये सोचते कि साला मेरे पास तो पीसी के अंदर स्पेस ही नहीं डालूंगा किसमें, अरे डालना बात की बात है भाई, पहले लेना पड़ता है उसको। तो वैसे ही आर्क सर्वाइवल इवॉल्व बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन गेम है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको डाउनलोड भले ही ना करो, पर कम से कम एपिक गेम्स पे जाके मतलब ये खरीद तो लो यार, ये $0 का है भाई, चेकआउट कर लो, रख लो अपने अकाउंट में, जिस दिन हार्ड डिस्क नए डालेंगे या फिर सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क डालेंगे, 100-150 GB की, 500 GB की हार्ड डिस्क डाल दो, 500 GB की तो 320 GB डाल दो, 500 रुपये की आती है, उतना तो पेन ड्राइव आता है आजकल यार, वो डाल दो और उसके अंदर इंस्टॉल करो, मजे करो, खेलो। सेम मैंने आप लोग को GTA 5 के लिए बोला था, मेरे को वो वीडियो पे हार्डली 100-150 व्यू मिला, मतलब इतने लोगों ने डाउनलोड मतलब उसको पता नहीं यूटिलाइज नहीं किया होगा शायद, पर ठीक है, वो टाइम पे अपने 500-600 सब्सक्राइबर थे, अभी 800 के आसपास हो गए, तो मेरे ख्याल से पब्लिक थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, मैं आप लोग को बताते रहूँगा, जब भी ऐसा कुछ मार्केट में आएगा ना, मैं आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दूँगा, कम से कम आपको 3-4 दिन का टाइम तो मिल ही जाएगा। आज तारीख क्या है, आज 14th है भाई, आज 14th जून है, 18th जून तक ये सेल है, 4 दिन का टाइम है यार आप लोग के पास, ले लो यार, ले लो, अपने अकाउंट में डाल के रख लो, इसको काम आएगा, आप नहीं तो बाद में इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल के रख लो आपके अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोग को, प्लस पॉइंट ये है, माइनस नहीं है, बस यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको ये मैंने ये आज ये वीडियो बनाया था आप लोग के लिए। आई होप कि आप लोग इसको यूटिलाइज करें, और आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम और स्टे सेफ, बाय बाय।